इसके नीचे शिव मंदिर है। तो भाई देखिए, शिव मंदिर हो या कोई मस्जिद, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों बताऊँ तो, क्योंकि इतनी प्यारी इमारत पूरे दुनिया में सातवां अजूबा, तो हमें ही नहीं फ़र्क पड़ता गाइस इसके नीचे शिव मंदिर था या कुछ और था। आप भारत देश में हैं तो भारत देश में इतनी प्यारी मंजिल बनी हुई है, इतनी प्यारी इमारत बनी हुई है, तो गाइस इन पछड़ों से अगर पीछे रहेंगे आप तो ही समझ पाएंगे इन चीज़ों को। और मैं बताऊंगा इस ये जो हम करते हैं ना कि इसके नीचे शिव मंदिर था, इसके नीचे मस्जिद थी, जो भी था, कुछ भी था, एक्स वाई जेड गाइस, देखिए बुरा मानने वाली बात नहीं है, कोई से भी आप धर्म से बिलोंग करते हैं, बस इतना समझिए अपना भारत देश है, इतनी प्यारी इमारत पूर्वज जो भी थे बना के गए हैं। हमें हिंदू मुस्लिम के पीछे नहीं लड़ना चाहिए, इसी कारण आज जो इसके ऊपर जो स्टोन्स लगे हुए थे, जो अलग अलग देशों से आए हुए थे, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, अरब, भाई कहाँ कहाँ से आ रखे थे गाइस स्टोन्स जो इस पे लगे हुए थे, आज वो हमारी गलतियों की वजह से, हमारे जो पूर्वज थे उनकी गलतियों की वजह से आज वो स्टोन्स इस पे नहीं है। सारे अंग्रेज़ निकाल के ले गए, उन्होंने हमार को ऐसे लड़वाया, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में लड़वा दिया और देश के अंदर फूट डाली और वो ये सारा कुछ लूट के ले गए। तो गाइस इन चीज़ों के पीछे नहीं लड़ना चाहिए। चलिए ये बात छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये गाइस ये नदी देख रहे हैं आप, देख रहे हैं क्या सोच समझ के बनाया गया होगा यार, कि नदी ये यमुना नदी के पास बनाएंगे, लकड़ी भी नमी अगर पकड़ेगी तो ही ज़्यादा मजबूत होगा इसका नींव। तो गाइस ये जो आप सामने देख रहे हैं, मैं आपको दिखा दूँ, ये जो सामने देख रहे हैं, ये सामने यूँ कहते हैं गाइस जो शाहजहाँ था अपना ब्लैक ताजमहल बनवाने वाला था। तो गाइस ये कितनी सच बात है इसका कोई प्रमाण नहीं है। अभी ताजमहल के बैक साइड में, हमारे इसे पहले कहते थे फ्रंट गेट माना जाता था इसे, मेरा एक एयरपोर्ट गिर गया है, कोई बात नहीं चलेगा तब भी क्योंकि चाइना का नहीं है। तो गाइस ये पीछे का रास्ता, तो ये पीछे का रास्ता बताते हैं आज के ज़माने में, अगर पहले के ज़माने में बताते थे ये जो रास्ता है वो फ्रंट का है, नदी पार करके शाहजहाँ आते थे यहीं पे, और जो भी अपनी मनोरंजन वाली चीज़ें हैं, जो भी एक्साइटेड अपना संगीत सुनना, ये सारी चीज़ करने यहीं पे आते थे। और गाइस इसके नीचे कहते हैं वो तहखाना, क्या काल कोठरी जिसे कहते हैं गाइस, आई डोंट नो एग्जैक्टली, जिसे हम प्रिजन कह सकते हैं, प्रिजन था इसके नीचे। गाइस सामने एक मैं आपको कुआं दिखाता हूँ, दुनिया उसमें पैसे डालती है, अब मुझे नहीं पता किस लिए डालती है। तो यहाँ पे आ जाती है बात भेड़ की चाल चलने वाली, मैंने पैसे डाले, मेरे साथी ने पैसे डाल दिए, ऐसा चलता है यहाँ पे, मतलब मैं मोस्ट ऑफ द इंडिया की बात करूँ तो ऐसा होता ही है, अगर मैंने पैसे डाल दिया तो मेरे दोस्त ने भी डाल दिए, पूछा क्यों, तूने डाले तो मैंने भी डाल दिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस, उसके बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, पता होना चाहिए आपको किस लिए पैसे डाल रहे हैं, हम क्यों डालते हैं इसमें। तो गाइस एक बार मैंने जब पहले गाइड किया था यहाँ पे, तो गाइड बता रहा था कि लोग बेफालतू में, देखिए इन्होंने भी शायद डाला, मन्नत मांग ली। तो
ये तो देख रहे रास्ते में पड़े हुए जूते पे पहनने वाले। गाइस ये ऐसे रास्ते में नहीं डालना चाहिए किसी को भी, आप हो मैं हो कोई भी हो, नहीं डालना चाहिए, इससे देश की छवि ख़राब होती है। कि गाइस जहाँ स्वच्छ भारत की बात की जाए वहाँ ये छोटी छोटी चीज़ें देख के ना गाइस खून खौल जाता है कि यार इतनी अच्छी चीज़ें हमारे देश में, कुछ लोग ऐसे गाइस कुछ लोग सिर्फ वो ख़राब कर रहे हैं इन चीज़ों को। ऐसे कहीं भी कचरा डाल देना, कहीं भी कुछ भी कर देना, मीनारे खोद देना, तो गाइस ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। यह ताजमहल का एग्जिट और एंट्री गेट गाइस, मेन एंट्री और एग्जिट गेट है ये, और ये है ताजमहल, एक भव्य इमारत जिसको 1653 में बना के खड़ा कर दिया। तो गाइस काफ़ी भव्य है, आइए रहिए देखिए आनंद लीजिए। चलिए आज की सीरीज यहीं ख़त्म करते हैं।